सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक नेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे दोस्त हमारे फ़ोन हैंग करता है या लैग करता है, जैसे गर्म होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सर्विस सेंटर में। और जैसे हम सर्विस सेंटर अपने फ़ोन को मतलब ठीक कराने के लिए जाते हैं, तो सर्विस सेंटर हमारे कुछ भी नहीं करता, सबसे पहले हमारे फ़ोन को हार्ड रिसेट करके हमें दे देते हैं और हमारे फ़ोन के जितने भी डेटा सारे के सारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वही चीज़ आप अपने फ़ोन को खुद अपने घर में कर सकते और अपने हैंग को काफ़ी ज़्यादा रोक सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपको एक ऐसा कमाल के तरीका बताऊँगा, कुछ ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जो आप अपने फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा हैंग से जो ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नए नए तरीके बताऊंगा, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य आपको कुछ नया नया आपको सिखाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखना, एक भी स्टेप मिस नहीं करना। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी ट्रिक्स बताऊंगा, जितने भी सेटिंग बताऊंगा, आपके यहाँ पर किसी भी प्रकार के डेटा लॉस नहीं होगा, चाहे आपके फ़ोन में फोटो हो, वीडियो हो, या तो किसी भी प्रकार के फ़ोन नंबर, किसी भी प्रकार के आपको यहाँ पर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को जाना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे जाना है। जैसे यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाए, वो है अबाउट डिवाइस करके, इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे यहाँ पर आप टैप करेंगे या क्लिक करेंगे के बाद यहाँ पर आपको ऑटो अपडेट करके यहाँ पर एक ऑप्शन देने मिले, इसको आपको सिंपली एनेबल करके रखना है। जितने भी हैंग का प्रॉब्लम जड़ यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट, दोनों को आपको ऑफ करके रखना है। इसका मतलब यह है कि जितने भी आपके फ़ोन में अनवांटेड ऐप्स आते हैं सारे के सारे यहाँ पर अपडेट होने लगते हैं, जिससे आपके फ़ोन का बहुत सारा डेटा भी खत्म हो जाता है, उसके साथ साथ आपके फ़ोन को हैंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे सेटिंग पर। तो दूसरे सेटिंग के बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, मेरा ये सैमसंग का फ़ोन है, आपका किसी और फ़ोन है, तो आपको उसी को आपके फ़ोन में ढूंढना होगा। हो सकता है आपको एक सेटिंग आगे पीछे आपको मिल सकता है। दूसरे सेटिंग के लिए आपको फिर से जाना आपके सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है फिर से नीचे, और उसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है जिसका नाम है अबाउट डिवाइस करके। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देने में जो वो है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन करके, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बिल्ड नंबर, इसको आपको 7 बार क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर 7 बार क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फिर से बैक आना है, फिर से बैक आना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाए तो वह है डेवलपर ऑप्शन करके, तो सिंपली डेवलपर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, वो है विंडो एनिमेशन, इसका ट्रांजेक्शन एनिमेशन और ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन स्केल करके। तो सिंपल आपको इसके ऊपर जितने भी आपको यहाँ पर डिफॉल्ट रहे आपको 0.5 के ही रखना है। तीनों को आपको क्या रखना है, आपको 0.5 रखना है। जैसे आप 0.5 यहाँ पर रखेंगे तो आपको जो ऐप लोडिंग का स्पीड है आपको बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं हमारे ऐप लोडिंग का स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का एनिमेशन यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर से चलिए हम बढ़ते तीसरा सेटिंग, जो तीसरा सेटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अकाउंट करके, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने यहाँ पर आपको ऐप्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वो मोर करके, इसके ऊपर आपको टैप करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबल ऑटो सिंक्रोनाइजेशन। तो दोस्तों ये मस्ट सेटिंग है, आपको डिसेबल करना है, इसके आप एनेबल बिल्कुल करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर आपको बैटरी भी खत्म होता है, डेटा भी ट्रांसफर करते रहते हैं, सारे का सारा यहाँ पर आपको डिसेबल करके रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे सेटिंग, जो ये सेटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके फ़ोन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अपने फाइल को मतलब अपने फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद जैसे मैं अपने फाइल पे जाता हूँ, तो जैसे मेरे फ़ोन की स्टोरेज आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे कितने ज़्यादा यहाँ पर अनवांटेड फाइल आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर आपको फाइल देखने को मिल जाए जो किसी भी काम का नहीं है, और ये एक प्रकार का आप जंक फाइल भी कह सकते हैं। इसको आप क्लीन करने के लिए आप एक एक करके सारे के आप क्लीन करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है, और हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर डेटा भी हो जो आपको लॉस हो जाएगा या तो डिलीट हो जाएगा। इसके लिए आपको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको छोटा सा एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपको 1 MB मैंने 1 KB का है, जिसे इसका नाम है एम्प्टी फोल्डर। तो जिसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। तो सिंपली इसके ऊपर आपको सारे परमिशन आपको अलाउ कर देना है। तो जैसे आपको इस तरह का ऑप्शन देने में यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर आपको मैंने सारे के सारे यहाँ पर डिलीट करके रखा हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप डिलीट करके सारे का सारा डेटा आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और जितने भी जंक फाइल है सारे के सारे यहाँ पर एक ही क्लिक में डाउन यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, जो काफ़ी आपके फ़ोन में जो स्टोरेज फ्री हो जाएगा। और सबसे पहले आपको मैं बताने वाला आपके फ़ोन में किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन
जैसे क्लीन मास्टर हो गया, सारे सारे आपको अभी क्या अभी इसको अनइंस्टॉल कर दे बिल्कुल या फिर कुछ भी काम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको फ़ोन का जो मेमोरी को जो यहाँ पर फुल हो जाए उसको कम करना है, स्टोरेज को फुल जो है उसको कम कर रखना है। तो यही कुछ सेटिंग अगर आपको करेंगे तो आपके फ़ोन का जो हैंग लैग जितनी भी प्रॉब्लम है सारे के सारे ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह के नए नए इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता हूँ। मैं तरह नेबड़ेगा, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।